दोस्तों पारी के 56वें ओवर में रविचंद्र अश्विन ने डिक वेला को गेंद डाली जो सीधा जाकर पैड पर लगी। रोहित ने अश्विन से पूछा कि क्या गेंद सीधा जा रहा था। अश्विन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा से कहा कि भैया मुझे लगता है बॉल बीच में लग रहा था, आप रिव्यू ले लीजिए। भैया एक ही रिव्यू तो बचा है, लेकिन रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने से इनकार कर दिया। इस वीडियो में आप साफ रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की आवाज़ को सुन सकते हैं। मुझे बैट नहीं लगा, ले लो एक तो बचा भैया, ले लो। उसके बाद थर्ड अंपायर ने चेक किया तो बॉल विकेट को हिट कर रहा था। चूंकि रोहित शर्मा ने रिव्यू नहीं लिया इसलिए अश्विन को विकेट नहीं मिला। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को ऋषभ पंत की बात मानकर रिव्यू लेना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, साथ ही कोई भी लाइव मोमेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।